INS कोलकाता ने आज सुबह समुद्री डाकू जहाज रुवेन से 17 लोगों को सुरक्षित निकाला और सभी 35 समुद्री लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। यूपी पुलिस परीक्षा पेपर लीक, रैकेट के साथ सांठ गांठ के आरोप में गुरुग्राम रिसोर्ट मालिक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले साल 30 मार्च को हुई बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर त्रासदी के 2 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है, चाहे वह जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल को 6 दिन की हिरासत में भेज दिया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद की SIT जांच की मांग की। इंडिया ब्लॉक टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। गुजरात के जामनगर में शुक्रवार को स्थानीय सांसद पूनम मदाम की मौजूदगी में कई 100 कांग्रेस पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली के CM की गिरफ्तारी पर BJP नेता संबित पात्रा ने कहा, जब आप इतने भ्रष्ट हैं तो आपको इसकी सजा मिलेगी। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने सैन्य कर्मियों की वापसी पर जोर देने के बाद भारत से कर्ज में राहत मांगी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा कांग्रेस विधायकों को इस्तीफा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कैफे विस्फोट संबंधी टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी।